दोस्तों, अब बिरयानी की फाइनल स्टेज पर हम हैं और अब हम लेयरिंग करेंगे। तो लेयरिंग के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक लेयर पहले प्लेन राइस जो मैंने पका के रखा है उसके लिया है, और बीच में सेफ्रॉन मतलब केसर का पानी है। तो केसर के पानी की एक लेयर होगी, फिर उसके बाद अन्य लेयर्स लगाते जाएंगे और उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे बोल में। तो इस पहली लेयर पर मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा शुद्ध घी। शुद्ध घी जो अपने आप में बहुत अच्छा फ्लेवर बनाता है, तो इसको मैंने एक लेयर पर डाल दिया है। और इस लेयर को अब हम ट्रांसफ़र करेंगे एक गोल बाउल में। ये मैंने इस गोल बाउल में उसको ट्रांसफ़र किया है। अब इस पे हम दूसरी लेयर डालेंगे, और ये दूसरी लेयर है हमने जो केसर का पानी बनाया है, या केसर, ये बहुत ही शानदार या बहुत ही लाजवाब टेस्ट देता है बिरयानी को। तो ये देखिए, ये मैंने एक लेयर जो है शुद्ध घी के बाद इसके ऊपर मैंने डाल दिया है केसर का पानी, और इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ कुछ श्रेडेड चिकन पीसेस और धनिया पीसेस। ठीक है, ये इस लेयर के बाद हम डालते हैं थोड़ा सा धनिया। और इसके बाद हम डालेंगे चिकन की जो करी हमने बनाई है, वो करी की एक लेयर बनाएगी इस पर। चिकन पीसेस और एक करी की एक लेयर के बाद में हम फिर थोड़ा सा प्लेन राइस इस पर डालेंगे, और इस प्लेन राइस के ऊपर भी हम थोड़ा सा घी डालेंगे। बिल्कुल हल्का सा आपको घी डालना है। और कितना सुंदर खिला खिला ये चावल है। और फिर इसके ऊपर हम डालते हैं अगेन केसर का पानी, या केसर का घुला हुआ केसर वाटर। तो दिस इज़ गिविंग अ वेरी गुड कलर एज वेल एज अरोमा एंड टेस्ट टू द बिरयानी। इसके ऊपर हमने डाल दी केसर का पानी और थोड़ा सा शुद्ध घी। ये शेष केसर के पानी से बहुत अच्छा एरोमा और टेस्ट आता है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इस पर डाल रहा हूँ गुलाब जल। आप केवड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो केवड़ा या गुलाब जल के साथ ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और फिर हम लेयर पर रखेंगे जो हमने चिकन के विंग्स बना के रखे हैं, उसको भी इस लेयर पर डाल देते हैं। इसके ऊपर थोड़ा धनिया डाल दिया। अब ये हमारी फाइनल लेयर है, तो इसके ऊपर वापस हम डाल देते हैं ये केसर और केसर युक्त पानी। ये दोनों चीज़ों का कलर और भी देता है,
और आप देखेंगे इसका स्वाद जब हम इसको थोड़ा सा दम देंगे। मैंने जानबूझकर आप सब लोगों को की जानकारी के लिए ये डोम वाला कांच का बर्तन लिया है, जिससे कि इसकी लेयर्स के बारे में भी आपको क्लियर दिखेगा। तो ये आप इस तरह से इसके साथ में, और फिर आप इसे चाहें तो एक लेयर साइड में आप दे सकते हैं मसाले, और तो दोस्तों ये बन गई है आपकी चिकन बिरयानी। और आपको ये डिश भी कैसी लगी, ज़रूर आप लाइक करें। यदि आप लाइक करें तो शेयर ज़रूर करें, और सुनील रेगे की टेस्टी डिशेस पर इसी तरह से टेस्टी डिशेस आपके सामने आपको मैं पेश करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।